किसान किसानों की भी बात होगी, कुछ किसान संगठनों से भी लोग यहाँ पर आए हुए, आइए अपना सवाल करें। लेकिन शोर नहीं, देखिए शोर नहीं, ऐसे नहीं होता है, लोकतंत्र संवाद से होता है ना, बातचीत कीजिए, हल्ला। देखिए आज संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान हुआ है, हमने 15 तारीख तक इनका इंतजार किया कि MSP पे ये कोई भी कमेटी बनाए किसानों के मुद्दे पे, जो 2022 में इन्होंने कहा आय दुगनी होगी। यहाँ भाजपा की प्रवक्ता भी खड़ी है, तो मैं इनसे ही कहना चाहूंगा, क्योंकि समाजवादी तो विपक्ष में, कांग्रेस भी विपक्ष में, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या था, तो हमें आना पड़ेगा पांचों राज्यों में, भारतीय किसान यूनियन और जो किसान संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा, वो सभी बजट में सरकार ने MSP के लिए आवंटित किया है 2.37 लाख करोड़ रुपए, आपको उससे भरोसा नहीं होता है कि MSP चुकाए? बजट में किसान का कोई भला नहीं हो रहा, आप ये देखिए डाई के कट्टे में 5 किलो डाई गायब है, 1975 रुपए MSP गेहूं का रेट होना चाहिए, ये आटा नहीं खाते क्या, वो 1200 रुपए में बिकेगा किसान का धान? हिंदू मुसलमान इसी पे इन्हें बात करनी है, युवा जो MSP गारंटी कानून नहीं लाते हैं, सिर्फ करते हैं हिंदू मुसलमान, जवाब दीजिए। देखिए पहली बात तो ऐसा है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा केवल उत्तर प्रदेश में भुगतान हुआ है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा छोटी संख्या नहीं होती, जवाब दीजिए। और ये सिचुएशन, अगर आप लोग शोर करेंगे तो जवाब नहीं सुन पाएंगे, फिर सवाल पूछने का क्या मतलब है? प्लीज प्लीज बोलिए। मैम एक सवाल पूछ रही हूं अंजना जी, जवाब दीजिए। जो किसानों की व्यवस्था बिगड़ी उसका श्रेय किसे जाता है? उस सरकार को जाता है जो मिल ओनर्स के साथ मिलके गरीब किसान का पैसा खा गए कि सालों साल किसान को इंतजार करना पड़ा। आज तक योगी सरकार उस पुराने घपले का भुगतान करती आ रही है, 2 लाख करोड़ दिया है। इस बजट में भी, इस बजट में भी 2.5 लाख करोड़ अलग रखे गए हैं MSP के नाम के। कितना एक्विजिशन हुआ है इस बार फसल का, जब इतना होता था उससे दुगना हो चुका है। और बार बार हम लोग जो नाम ले रहे हैं, घनश्याम जी भूल जाते हैं, मैं नाम लेती हूँ, नए नए शब्द सुने, इस बार मैंने हिंदू कर दी, इनके ही उम्मीदवार कहते हैं हिंदू कर दी, होता क्या है ये हिंदू कर दी? बार बार भाजपा पर आरोप लगता है, भाई शब्द तो ऐसे ये इस्तेमाल ठीक है। कुछ सवाल यार, देखिए आप लोग तो समर्थक है BJP के, साफ दिख रहा है, तो आप लोग का तो दिख रहा है स्टैंड। मैडम सर साइड जाए, मैं ले रही हूँ। सपा से एक क्वेश्चन था आपसे, सपा जो भी घनश्याम तिवारी, श्याम तिवारी जी से, अपराध पर इनका नियंत्रण 0 रहा और न ही कोई डेवलपमेंट हुआ इनके राज में, और जितने भी माफिया उनको फिर से दोबारा टिकट देके ये जिताना चाहते हैं, इनकी क्या रणनीति है आगे 5 सालों में अगर ये जीतते हैं तो? अब ये बहुत अच्छा सवाल है, सवाल है। हाँ, महिला के सम्मान में BJP मैदान में, आप भी नेता ही है, देखिए अभी BJP आराम से, आराम से ऐसा है, अभी ये रोड्स की बात कर रहे थे, आपने एक एक्सप्रेस बनाया, हमने 5 बनाया है। आप अभी ये बात करते MSP की, हमने कितनी मिले जो बंद थी, शुगर मिले उनको खुलवाने का काम किया, और सब BJP से है सब, ठीक है, आपका अधिकार है सवाल पूछने का। देखिए मैं स्वागत करता हूँ, ये जो बार 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 वही आता है कि गुंडागर्दी होती थी समाजवादी पार्टी में, ये अगर BJP प्रचार भी करे तो जनता ये सवाल पूछ रही है। मैं सवाल का स्वागत करता हूँ, सब सपोर्टर नहीं है कुछ, नहीं बिल्कुल मैं स्वागत करता हूँ आपके सवाल का कि समाजवादी पार्टी क्या करेगी। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अगर जब हमारी सरकार बनेगी 22 लाख युवाओं को रोजगार देंगे सिर्फ IT सेक्टर में।